हुकूमती जमातें आईनी तरमीम पर एक हो गईं, जेजवाई का इनकार, आईनी अदालत की जगह बैंस बनाने की तजवीज़ दे दी। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए खसूसी पार्लिमानी कमेटी का एक और दौर। जेजवाई के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, 200 केसेस के लिए आईनी अदालत बनाना मुनासिब नहीं, इसका हल सुप्रीम कोर्ट के बेंच बनाकर निकाला जा सकता है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहीर रहमान बोली, मौलाना फजल रहमान अपनी तरजीहात सामने रखते हैं, आईनी अदालतें कायम होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बरिश गोहर ने कहा, जेजवाई और हुकूमती मुसवदे की कॉपी मिल गई है, इस पर बानी पीटीआई से मुशावरत करेंगे। बिलावल भुट्टो ने आनी तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी का मुसविदा शेयर कर दिया। 26वीं आनी तरमीम को बेहतर बनाने के लिए आवाम से तजावीज़ मांग ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ट्वीट किया, वफाकी आनी अदालत के क़याम की तजवीज़ देते हैं। आनी अदालत में तमाम वफाकी इकाइयों की मसावी नुमाइंदगी होगी। आनी अदालत बुनियादी हकूक, आनी तशरी और वफाकी और बैन सूबाई तनाज़ात से मुतालिक मसाइल हल करेगी। जजिस के ज़रिए ही जजिस के तकर्रों को ख़त्म करने की तजवीज़ है। पीटीआई का एहतजाज रोकने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल होगी, मुल्क को यरगमाल नहीं बनने देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक ऐलान, सियालकोट में गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई दोबारा 9 मई बर्पा करना चाहती है। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल बोले, कराची में दहशतगर्दी और पीटीआई की सियासी दहशतगर्दी एक जैसी है। माशी बहाली का सफर शुरू होते ही पीटीआई का इंतशारी कार्रवाइयों में इजाफा हो गया। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, कोई पाकिस्तानी इनकी कॉल पर नहीं निकलेगा, इस बार इनसे पहले से ज़्यादा मरम्मत होगी।